हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता राज आज आपके लिए ये रिवर्सेबल पैटर्न लेकर आई हूँ। देखिए, इस तरफ से भी ऐसे दिखाई देगा और ये राइट साइड से भी ऐसे ही बनेगा। इसको जो है आप इस पैटर्न को आप ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट के लिए यूज़ कर सकते हो। लेडी स्कार्फ, जेंट्स स्कार्फ, बेबी स्लीपिंग बैग, और आप ये कार्डिगन बॉर्डर के लिए भी इसे अप्लाई कर सकते हो। 8 सिलाइयों का पैटर्न है और 8 के मल्टीपल में ही इसमें आपने फंदे डालने हैं। 8 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे ऐड कर लेने हैं। तो आइए शुरू करें। शुरू करने के लिए राइट साइड से आपने क्या करना है, सभी सिलाइयाँ जो हैं उल्टी डालनी है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इसमें आपने जो है राइट साइड से उल्टी सिलाई डालनी है और रॉन्ग साइड से इसमें सीधी सिलाई पड़ेगी। 4 सिलाइयाँ आपने ऐसे ही रिपीट करनी है। इस पैटर्न को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक वार्मर भी आप इस पैटर्न से बना सकते हो। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से आपने सारी सिलाई जो है सीधी डालनी है। चार सिलाइयाँ आपकी प्लेन ही बनेंगी, 2 आगे से उल्टी और 2 पीछे से सीधी। 4 सिलाइयों के बाद आपका जो है पैटर्न बनेगा। ये देखिए, बैक साइड से मैंने सीधी सिलाई और फिर फ्रंट साइड से उल्टी और बैक साइड से सीधी। ये मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 2 उल्टी सिलाइयाँ राइट साइड से और 2 सीधी सिलाइयाँ बैक साइड से। अब हमारा पैटर्न शुरू होगा। पैटर्न शुरू करने के लिए सबसे पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदे हमने स्लिप कर लेने हैं और आगे वाले फंदे को सीधा बुन लेना है। और ये जो 2 फंदे स्लिप किए थे, इन्हें इसके ऊपर से, बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1, 2। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद पहले फंदे को स्लिप किया, दूसरे फंदे को मैंने 2 फंदे स्लिप किए, 1 फंदा बुना और फिर 2 स्लिप किए फंदों को इसके ऊपर से उतारा, फिर 2 फंदे सीधे। अभी हमारे 2 फंदे कम हुए हैं तो अब हमें इन फंदों को बढ़ाना है। तो आगे जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, 1 जाली, फिर धागा आगे बना करेंगे, दूसरी जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। ये हमारा यहाँ तक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर दोबारा से ही रिपीट करेंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और जो सीधा फंदा बुना हुआ है ये इन दोनों स्लिप किए फंदों को इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, सीधे बुनने के बाद फिर जाली डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ 2 फंदे घटाए हैं, तो धागा आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा, ये 1 जाली डल गई, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली डाल ली और 2 फंदे सीधे, 1 और 1, 2। ये हमारा पैटर्न यहाँ कंप्लीट हो गया है। फिर रिपीट करेंगे उसी पैटर्न को, 1, 2 फंदों को स्लिप करेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे और ये पहले और दूसरे को स्लिप किए हुए को इसके ऊपर से निकाल देंगे, जो फंदा हमने बुना था उसके ऊपर से इसे निकाल देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 फंदे कम हुए हैं, तो धागा आगे करेंगे, 1 जाली, फिर धागा आगे करेंगे और आगे के 2 फंदे सीधे, 1, 2, किनारे के फंदे को सीधा। ये पैटर्न की फर्स्ट सिलाई है। सेकंड सिलाई में आपने क्या करना है, उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा बुनना है। ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो जाली का बना हुआ फंदा, यदि तो आपने इसमें जाली देनी है तब तो आप फंदे को ऐसे बुनोगे, लेकिन मैंने इसमें जाली नहीं शो करनी है तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको पीछे की तरफ से ऐसे इस तरह से मैं इसे बुनूँगी।
तो ये जो मेरी जाली है इनविजिबल हो जाएगी, यानी कि दिखाई नहीं देगी। ये देखिए ये जाली वाला फंदा फिर आ गया। अब इस फंदे को क्या करेंगे, पीछे की तरफ से उल्टी तरफ से ऐसे उठाएंगे। यदि आपने इसमें जाली शो करनी है तब आपने सीधा ही बुन लेना है, लेकिन मैंने इसमें जाली शो नहीं करनी है तो मैं इसे, ये देखिए ये आ गया जाली वाला फंदा। अब मैं यदि जाली शो करेंगे तो इस तरह से बुनेंगे, लेकिन मैंने जाली शो नहीं करनी है तो इसको मैं बैक साइड से यहाँ से इस तरह से पलट के ऐसे इस तरह से इसे बुनूंगी, तो ये जो है जाली इनविजिबल हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। ये देखिए ऐसे, बाकी सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है, जाली वाले फंदे को आपने पलट लेना है। ये देखिए एक बार और दिखाती हैं, आपकी जाली वाला फंदा आ गया, इसको आपने पीछे से बैक लूप से ऐसे और ऐसे बुन लेना है, तब आपकी जो है ये जाली इनविजिबल हो जाएगी। ये मेरे पैटर्न की सेकंड सिलाई कंप्लीट हो गई है। थर्ड सिलाई भी आपने फर्स्ट सिलाई की तरह ही रिपीट करनी है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे और इन दोनों को स्लिप किए हुए को बुने हुए फंदे के ऊपर से निकाल देंगे ऐसे। फिर दो फंदे सीधे, एक दो। अब हमने यहाँ पे दो फंदे घटाए हैं तो जाली डालेंगे, धागा आगे के करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली डालनी है। अब इसके बाद दो फंदे सीधे, एक दो, यहाँ से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। फिर पैटर्न रिपीट करेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, अगले फंदे को बुनेंगे और इन दोनों स्लिप किए हुए को इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक दो। अभी दो फंदे घटाए हैं तो यहाँ हम बढ़ाएंगे, तो इसके लिए जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक जाली डल गई, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली डालेंगे और आगे के दो फंदे सीधे, एक दो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक जाली डली और ये दूसरी जाली डल गई। जहाँ हम पहले हमने फंदों को घटाया है, फिर दो फंदे सीधे बुने, फिर जाली डाली है, यानी कि फंदों को बढ़ाना है, हमारे फंदे जो हैं कम नहीं होने चाहिए। यहाँ दो घटाए हैं तो यहाँ हमने दो बढ़ा दिए। फिर रिपीट करेंगे, दो फंदे स्लिप, तीसरे फंदे को बुनेंगे और इन स्लिप किए हुए फंदों को इसके ऊपर से निकाल देंगे, जो हमने फंदा बुना था तीसरे फंदे के ऊपर से। फिर दो फंदे सीधे, एक दो। दो फंदे सीधे बनाने के बाद अब ये जो फंदे घटाए थे तो हमने यहाँ बढ़ाने हैं, तो धागा आगे करेंगे, जाली डाल देंगे, एक फंदा बुना और एक जाली बन गई। फिर एक जाली और डालेंगे और आगे के दो फंदे सीधे, एक दो, लास्ट के फंदे को सीधा। ये पैटर्न की तीसरी सिलाई हो गई है। चौथी सिलाई उल्टी, उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा बुनना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जाली वाला फंदा है, इसे आपने जो है बैक साइड से ऐसे बैक लूप में बुनना है ऐसे, इससे आपकी जो जाली है इनविजिबल हो जाएगी। ये देखिए ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसे हम बैक साइड से बुनेंगे ऐसे। एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये ऐसे है, इसे हमने बैक साइड से ऐसे बैक साइड बैक लूप से बनाएंगे तो ऐसे बन जाएंगे। ये देख, ये फिर जाली आ गई, ऐसे फिर बैक लूप से ऐसे, बाकी सभी फंदों को नॉर्मल उल्टा बुन लेना है। सिर्फ जाली वाले फंदे को आपने जो है पीछे की तरफ से बैक लूप से ऐसे बुनना है, बस यही हमारा जो है 8 सिलाइयों का पैटर्न है। 4 सिलाइयाँ आपने सीधी उल्टी बुननी है और 4 सिलाइयों में आपने पैटर्न डालना है। तो इस तरह से ये है हमारा, देखिए फ्रेंड्स ये हमारा रिवर्सेबल पैटर्न जो बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये हमारी फ्रंट साइड है। तो इन्हीं 4 सिलाइयों को आप रिपीट करते जाओगे, 4 4 सिलाइयों को। अब हम जब
अगला जब पैटर्न डालेंगे, दो सिलाई, पहली सिलाई उल्टी, बैक साइड से हमने सीधी, फिर उल्टी और फिर सीधी, फिर आपने ये पैटर्न रिपीट करना है। पैटर्न आपने कैसे रिपीट करना है, पहले फंदे को स्लिप करोगे, फिर दो फंदों को स्लिप करोगे, तीसरे को बुनोगे और इन दोनों स्लिप किए फंदे को तीसरे फंदे के ऊपर से निकाल देंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे। अब हम यहाँ फंदे जो घटाए हैं तो यहाँ हम जाली डालकर एक एक जाली डालेंगे और फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह से आपने ये रिपीट करते चले जाना है और उल्टी सिलाई उसकी जो है उल्टी बनानी है, जो आपका जाली वाला फंदा है उसे बैक लूप से बनाना है। बस इसी तरह से आपने ये 8 सिलाइयाँ बनाते चले जाना है और आपका ये रिवर्सेबल पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये पैटर्न बहुत अच्छा लगेगा, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। धन्यवाद।